आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को हम पी इंटू 10^n के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, वो आपका साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास कोई नंबर है 6245। इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल को चेक करना है कि डेसिमल कहां है। अब आप देखेंगे इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल नहीं है ना, तो आप इसके लास्ट में डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, अब भी वही नंबर रहेगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, लीडिंग डिजिट को सिलेक्ट करना है, और लीडिंग डिजिट को कहां से सिलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड से। अब देखो लेफ्ट साइड से आपका जो पहला नंबर है 6, ये आपकी लीडिंग डिजिट कहलाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग डिजिट। और लीडिंग डिजिट है वो आपकी नेचुरल नंबर होगी, दैट मींस लीडिंग डिजिट आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहां लीडिंग डिजिट को लिखा 6, ठीक है। उसके बाद इस डेसिमल को आपको यहां लगाना है, ठीक है, और उसके बाद जो भी नंबर आता है उसको आप आगे लिख दो 2, 4, 5, फिर इनटू में लिखेंगे 10। अब देखो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव, तो आपने इस डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, और कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 1, 2, 3, तो 10 की पावर +3 हो जाएगा, यानी कि जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते ना तो पावर आपकी पॉजिटिव आएगी, अगर डेसिमल को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या आएगी, आपकी नेगेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास है 0.00047। इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीडिंग डिजिट लेंगे लेफ्ट साइड से। अगर वो लेफ्ट साइड से तो यहां तक तो जीरो है, 4 को लेंगे तो 4 को मैं लिखूंगा, उसके बाद आप डेसिमल लगाएंगे, अब 4 के आगे क्या है, 7 है, उसको लिखेंगे। अब इनटू में हम 10 की पावर कितनी लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। देखो इस डेसिमल को हमने यहां शिफ्ट किया है राइट साइड में, तो आप 10 की पावर -4 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, क्लियर। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए पोर्शन में क्या दे रखा है, ए पोर्शन में हमें दिया है 4590.5। तो सबसे पहले आप लीडिंग डिजिट को लेंगे, लीडिंग डिजिट क्या है आपकी 4, ठीक है, फिर आप डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद जितने भी आपके पास डिजिट है उसको लिखेंगे 5905। इस डेसिमल को हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 3 डिजिट, और वो भी लेफ्ट की साइड में, तो आप लिखेंगे 10^+3, ठीक है, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब गाइस बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में दिया है 901323.6। सबसे पहले लीडिंग डिजिट को लिखेंगे लेफ्ट साइड से, लीडिंग डिजिट है आपकी 9, उसके बाद आप लगाएंगे डेसिमल, और जितने भी आपके नंबर उसको लिख दो 0, 1, 3, 2, 3, 6। अब देखो डेसिमल को आपने कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, और वो भी लेफ्ट की साइड में, तो 10 की पावर क्या जाएगी, +5, ठीक है। नेक्स्ट सी पोर्शन, सी पोर्शन में दिया है 7503505484.8, ठीक है। सबसे पहले हम लीडिंग डिजिट को लेंगे, लीडिंग डिजिट क्या है, 7, उसके बाद डेसिमल,
अब ये जितनी भी डिजिट है उसको लिख दो 503505485625 इंटू में 10 की पावर कितनी आएगी। अब देखो ये जो डेसिमल वो कितने डिजिट शिफ्ट किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर प्लस 9। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है मीटर में। राइट द डिस्टेंस इन साइंटिफिक नोटेशन, तो इस डिस्टेंस को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस दे रखी है 384000000। सबसे पहले आपको डेसिमल चेक करना है, डेसिमल इसमें है नहीं तो आप नंबर के लास्ट में लिखें। ठीक है, उसके बाद लीडिंग डिजिट लेफ्ट साइड से 3 आ जाएगी, फिर हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद इसके आगे की डिजिट लिखें 844, इन जीरो को छोड़ देंगे। आप चाहो तो लिख सकते हैं लेकिन डेसिमल के बाद जीरो का इंपोर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इनटू में 10। अब 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, कितनी आएगी तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस डेसिमल को हमने 8 प्लेसेस पीछे शिफ्ट किया है तो 10 की पावर 8 आ जाएगा। ओके गाइस, अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले देखो आप डेसिमल चेक करेंगे, डेसिमल है नहीं तो नंबर के लास्ट में लगा लेंगे, फिर लीडिंग डिजिट 3, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद जो भी आगे की डिजिट है उसको लिख दो 186595, इन जीरो को आप छोड़ दो, फिर इनटू में 10। ओके, अब 10 की पावर कितनी आएगी, इस डेसिमल को आपने कितना पीछे शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 की पावर 12। ठीक है गाइस, अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में तो आपको डेसिमल दे रखा है तो इसमें हम लीडिंग डिजिट को लिखेंगे 3 के बाद डेसिमल, उसके बाद आगे के जितने भी नंबर उसको लिख दो 6 9 8 5 2 1 2 5 4, इनटू में 10 की पावर। अब इस डेसिमल को आपने कितना पीछे शिफ्ट किया काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। ठीक है, लास्ट पोर्शन में आपको डेसिमल नहीं दे रखा तो आप डेसिमल को यहां लगा लेंगे, फिर लीडिंग डिजिट 2 आ जाएगा, फिर डेसिमल, अब इसके आगे की डिजिट 105। ठीक है, इनटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 की पावर प्लस 13। ठीक है गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ग्रेटर नंबर बताना है। ठीक है, ए पोर्शन, देखो ए पोर्शन में आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, दोनों साइंटिफिक नोटेशन में लिख रखे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके 10 की पावर को चेक करना है। देखो यहां 10 की पावर 23 है और यहां 10 की पावर 25 है, तो सीधी सी बात है 10 की पावर 25 है ना, वो 10 की पावर 23 से बड़ी है, ग्रेटर है, तो दैट मींस ये जो आपका नंबर है वो इस नंबर से ग्रेटर देन है, तो 6.95 इंटू 10 द पावर 23 इज लेस देन 4.98 इंटू 10 द पावर 25। ठीक है, ये आपका ए पोर्शन हो गया। अब ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। देखो बी पोर्शन में हमें यहां 10 की पावर 24 दे रखी है और यहां 10 की पावर 17 है, तो सीधा सा है ये नंबर आपका बड़ा है, तो 4.65 इंटू 10 की पावर 23 इज ग्रेटर देन 4.65
इंटू 10 द पावर 70। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन लेते हैं सी को। देखो सी में इसमें 10 की पावर 19 है और इसमें भी 10 की पावर 19, दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम नंबर्स को चेक करेंगे। देखो इसमें आपको दे रखा है 8.35 और इसमें दे रखा 9.54, तो सिंपल सी बात है ये नंबर आपका ग्रेटर है। तो 8.35 इंटू 10 द पावर 19 इज लेस देन 9.54 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, लास्ट पोर्शन डी। देखो डी में देखते हैं 10 की पावर, इसमें 25 है, इसमें भी 10 की पावर 25। अब हम नंबर्स को चेक करेंगे, 6.48, 1.85, तो 6.48 है वो 1.85 से बड़ा नंबर है, तो दैट मींस ये नंबर आपका बड़ा हो गया। 6.48 इंटू 10 की पावर 25 इज ग्रेटर देन 1.85 इंटू 10 की पावर 25। ठीक है श्री, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में इन नंबर्स का हमें एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो चलो ए पोर्शन का हम सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। उसके लिए आप पहले 5 को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, 5 के बाद कितने डिजिट है उनको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 5 के मल्टीप्लाई में आएगा 1, 8 times 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, फिर आप प्लस लिखेंगे, अब थ्री के इनटू में इसमें 8 0 थी तो 1 0 कम कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर आप प्लस में 2 लिखेंगे, 1 0 कम कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर उसके बाद 6, फिर से 1 0 कम कर दो, 1, 2, 3, 4, 5। फिर 6 के बाद 4, 1 0 कम कर दो, 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद प्लस 8, 1 0 कम कर दो, 1, 2, 3। फिर प्लस में आप लिखेंगे 9, 1 0 कम कर दो, 1, 2। 9 के बाद 1, 1 इंटू 1 0 कम करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर प्लस लास्ट में 2 है, इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब ये तो हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये तो सिंपल है। पहले तो आप लिखेंगे 5 इंटू में 10 की पावर, कितनी जीरो थी यहां, 8 थी, तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 3, 10 इसकी पावर कितनी जीरो है, 7 है, तो आप 7 लिखेंगे। फिर प्लस 2, 10 की पावर 6 है। देखो आप देख सकते हैं एक एक पावर कम होती जा रही है इसमें, प्लस 6 इंटू में 10 की पावर 5, फिर प्लस 4 इंटू 10 की पावर 4, फिर प्लस 8 10 की पावर 3, फिर प्लस 9 10 की पावर 2, फिर आपका है 1 10 की पावर 1, फिर है प्लस 2। अब आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 0, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब ऐसे आप बी पोर्शन और सी पोर्शन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट द नंबर फॉर्मड बाय द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 5 का रिवर्स क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है ये। देखो करना कैसे है, 8 दे रखा है स्टार्टिंग में, तो 8 को लिखो, उसके बाद दिया है 10 की पावर 8, दैट मींस इस 8 के आगे आपको 8 डिजिट्स को लिखना है। ठीक है, फिर देखो 10 की पावर 8 के बाद 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 7 गायब है, तो उसके रिप्लेस पे हम 0 लेंगे। ठीक है, फिर 10 की पावर 6 है तो इसका नंबर लिख दो 6, 10 की पावर 6 के बाद 10 की पावर 5 है,
बिल्कुल है, तो इसका नंबर लिख दो 4। फिर 10 की पावर 4 है, इसका नंबर 5 लिखेंगे। 10 की पावर 3 है, इसका नंबर लिख दो 3। 10 की पावर 2 है, तो इसका नंबर भी लिख दो 2। अब यहां 10 की पावर 1 नहीं है, सीधा ही 0 है, तो उसके बदले आप 0 लिखेंगे और 10 की पावर 0 का नंबर लिख दो 7। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। देखो पहले 2 को लिख रहा है, 10 की पावर 6 के बाद 10 की पावर 5, इसका नंबर 7। 5 के बाद 10 की पावर 4, इसका नंबर 4। 10 की पावर 3 का नंबर 1, 2 का 9, 1 का 6 और 0 का 4। बिल्कुल सिंपल है। अब लेते हैं सी पोर्शन को। देखो सी पोर्शन में पहले 9 दे रखा है, 10 की पावर 10, उसके बाद 10 की पावर 6। तो यहां 10 की पावर 9 नहीं है, 8 नहीं है और 7 नहीं है, उसके बदले हम 0 लिखेंगे 1, 2, 3। फिर यहां लिखेंगे 10 की पावर 6 का 2। 10 की पावर 5 है, इसका नंबर लिख दो 1। फिर 10 की पावर 5 के बाद सीधा ही 1 है, तो 4 गायब है, 3 और 2, तो 3 0 लिख दो 1, 2, 3। फिर 10 की पावर 1 का 7, 1 के बाद 0 है, तो इसका नंबर लिखो 5। ठीक है, नेक्स्ट डी पोर्शन। पहले 6 को लिखेंगे, 10 की पावर 12 है, उसके बाद 11, 11 का नंबर 4। 11 के बाद 10 की पावर 9 है, तो यहां 10 की पावर 10 जो है वो गायब है, उसके बदले आप लिखेंगे 0, 9 का 1 लिख दो। ठीक है, 9 के बाद यहां 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो 2 0 लगा दो 1, 2। 6 है, तो इसका नंबर लिख दो 2। 6 के बाद देखो 5 गायब है, 4, 3, 3 गायब है, 5, 4, 3, 2 इसमें है, तो इसका नंबर लिख दो 8। 2 के बाद 1 है, तो इसका नंबर 9। 1 के बाद 0 है, तो इसका नंबर 5। ठीक है, सेकेंड लास्ट 7 को लिखेंगे, 10 की पावर 8 है, उसके बाद 7, तो फिर 7 लिखेंगे। 7 के बाद 10 की पावर 6, इसका नंबर 8। 6 के बाद 5 है, इसका नंबर 9। 5 के बाद 10 की पावर 4, इसका नंबर 5। 4 के बाद 3, इसका 4, और 3 के बाद 2, इसका 1, और ये 5, और 10 की पावर 0 का नंबर 4। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। देखो यहां स्टार्टिंग में आप लिखेंगे 9, 9 के बाद देखो 10 की पावर 14 है, और उसके बाद सीधा 12 है, तो 13 गायब है, तो उसके बदले में 0 रखेंगे। फिर यहां 12 का नंबर 4, 12 के बाद 10 है, 11 गायब है, तो 0 लिखेंगे, और फिर 10 का 5, फिर इसमें भी 9 गायब है, तो आप 5 के आगे 0 लगाएंगे। 9 के बाद 8 आएगा, 8 का 10 की पावर 8 है, उसका नंबर लिख दो। 8 के बाद 7 आना चाहिए 10 की पावर, वो नहीं है, तो उसके बदले 0। फिर 10 की पावर 6, इसका नंबर 7। अब देखो 10 की पावर 6 के बाद 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 5 गायब है, उसके बदले 0 लिख दो। फिर आ गया 10 की पावर 4, इसका नंबर 6 लिखेंगे। फिर 3 है, तो 3 का आप लिखेंगे 4। 3 के बाद 2 भी है, तो 1, और 10 की पावर 1 है, तो उसका भी 1। अब यहां 10 की पावर 0 नहीं है, तो उसके बदले में आप 0 रखेंगे। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर आ गया। और इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।